The whole world will acknowledge. दोस्तों आज हम देखेंगे ब्रॉक लेसनर के WWE में 5 सबसे ज्यादा चौंकाने वाले पल जिन्हें फैंस सालों तक नहीं भूलेंगे। नंबर 5, ब्रॉक लेसनर का SummerSlam 2002 में द रॉक को हराकर WWE चैंपियनशिप जीतना। ब्रॉक लेसनर ने मार्च 2002 में WWE के अंदर डेब्यू किया था। सिर्फ 5 महीनों के बाद वो द रॉक के खिलाफ कंपनी के टॉप PPV में WWE चैंपियनशिप के लिए मैच लड़ रहे थे। ये काफी बड़ी बात थी। लेसनर को आते ही इतनी जल्दी सफलता मिलना काफी ज्यादा शॉकिंग चीज थी। किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। वो इस दौरान कई दिग्गजों को भी हरा चुके थे। हालांकि द रॉक जैसे स्टार को हराना उतना आसान नहीं था और लग रहा था कि शायद ही लेसनर को इस मैच में जीत मिलेगी। इसके बावजूद उन्होंने दिग्गज को कड़ी टक्कर दी और अंत में WWE चैंपियनशिप जीती। सभी के लिए उनकी ये जीत काफी ज्यादा शॉकिंग थी। हालांकि इस जीत के बाद उनका करियर बदल गया था और वो अचानक से कंपनी के टॉप स्टार बन गए। नंबर 4, रेसलमेनिया 20 के बाद WWE से जाने का निर्णय। ब्रॉक लेसनर ने रेसलमेनिया 20 के बाद WWE को छोड़ने का निर्णय लिया था। उनका अंतिम मैच इस इवेंट में गोल्डबर्ग के खिलाफ देखने को मिला था। दरअसल लेसनर को आते ही WWE में जबरदस्त सफलता मिल गई थी। उन्होंने टॉप चैंपियनशिप जीत ली थी और कई सारे दिग्गजों को पराजित किया था। इतनी जबरदस्त सफलता मिलने के बावजूद भी उन्होंने WWE से जाने का निर्णय लिया था। ये एक चौंकाने वाली चीज थी। हालांकि लेसनर ने बाद में बताया था कि वो WWE के शेड्यूल के अनुसार काम नहीं कर सकते और इस वजह से उन्होंने कंपनी को छोड़ दिया। 2012 में उनकी एक बार फिर रिटर्न देखने को मिल गए। नंबर 3, ब्रॉक लेसनर का शूटिंग स्टार प्रेस के दौरान बोच होना। ब्रॉक लेसनर ने शूटिंग स्टार प्रेस लगाकर सभी को चौंका दिया था। दरअसल रेसलमेनिया 19 में कर्ट एंगल के खिलाफ उनका WWE चैंपियनशिप मैच देखने को मिला। इस मैच में एक चौंकाने वाला पल आया। दरअसल लेसनर शूटिंग स्टार प्रेस लगाने के लिए टॉप रोप से कूदे। इस दौरान वो गलत तरीके से लैंड कर गए। अगर वो थोड़ी बड़ी गलती कर देते तो उनकी गर्दन ही टूट जाती। ये देखकर सभी फैंस चौंक गए थे। लगा कि ये मुकाबला आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसके बावजूद ब्रॉक लेसनर ने मैच जारी रखा और अंत में चैंपियनशिप जीत ली। देखा जाए तो लेसनर का करियर खत्म होते होते बचा था। WWE ने भी इस बारे में बाद में जानकारी दी थी। नंबर 2, रैंडी ऑर्टन को बुरी तरह घायल करना। SummerSlam 2016 में ब्रॉक लेसनर ने सभी को चौंका दिया था। दरअसल उनका सामना रैंडी ऑर्टन से देखने को मिला था। इस मैच ने फैंस को काफी ज्यादा प्रभावित किया था। रैंडी ऑर्टन में दिग्गज को काफी अच्छी टक्कर दी और कई सारे आरकेओ की बारिश की। इसके बावजूद अंत ने सभी को चौंका दिया था। ब्रॉक लेसनर ने अचानक से मैच में अपने ग्लव्स निकाले और फिर ऑर्टन के सिर पर पंच लगाए। इस वजह से ऑर्टन के सिर से बुरी तरह खून निकलने लग गया और मैच का अंत हो गया। किसी ने इस तरह के अंत की उम्मीद नहीं की थी। लेसनर ने सभी को इस मौके पर चौंका दिया था। नंबर 1, द अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ना। द अंडरटेकर और ब्रॉक लेसनर के बीच रेसलमेनिया 30 में मैच देखने को मिला था। उस मैच ने सभी का ध्यान खींचा था। द अंडरटेकर को कभी भी रेसलमेनिया में किसी भी सुपरस्टार्स ने नहीं हराया था। इसके पहले द अंडरटेकर ने शॉन माइकल्स, ट्रिपल एच समेत कई सारे बड़े सुपरस्टार्स को इस इवेंट में हराया था। द अंडरटेकर को रेसलमेनिया 30 में ब्रॉक लेसनर से एक कड़ी टक्कर मिली। इस दौरान लेसनर ने टेकर की बुरी हालत कर दी थी। अंत सबसे ज्यादा शॉकिंग था जब ब्रॉक लेसनर ने द अंडरटेकर को धराशय किया और पिन करते हुए मैच जीता। सारे फैंस इस मैच से काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। अब आप कुछ भी कहिए, लेकिन ब्रॉक लेसनर के इन कारनामों के लिए एक लाइक तो बनता है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करने के साथ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।